और यहाँ पर देख लो बारिश भी हो रही है, फिर भी देखो मैं वीडियो बनाने आया हूँ। चलो सिखाते हैं आपको, स्टैंडिंग बेवस्टर तीन तरीके से है। तो गाइस यहाँ पर देख लो, पहला बेवस्टर है आपको ऐसे करके खड़े हो जाना। देखो खड़े हो जाने के बाद आपको ये जो आपका राइट पैर है इसे आपको आगे को रखना है और यहीं से आपको इसे किक लेना होता है पीछे को। अब लेफ्ट पैर से आपको जंप करना, आपको टकॉक नहीं करना। देखो ये पहला बेवस्टर है, मैं आपको तीन तरीके से बेवस्टर बताऊंगा। देखो राइट पैर आपको आगे को रखना है, इससे आप लोगों को किक लेना ऐसे करके, देखो ऐसे, और लेफ्ट पैर से आपको जंप लेना कुछ ऐसे करके, देखो ऐसे करके। ये है पहला स्टेप। देखो आपको राइट पैर आगे को रखना है, इससे आपको किक और लेफ्ट से जंप, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपको इसमें फ्रंट रोलिंग की प्रैक्टिस करना, आगे को ग्लोटी करना कुछ ऐसे करके। देखो ऐसे करके आपको बैठ जाना और आगे को आपको ग्लोटी करना कुछ ऐसे करके, देखो ऐसे। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब आपका तीसरा स्टेप है, आपको दोनों स्टेप को ऐड कर देना और तेजी के साथ आपको किक लेना है और जंप लेना, टक ऑक नहीं करना, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बिना टक के तीनों बेवस्टर सीखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लो स्टार्टिंग में आप लोगों से इसी प्रकार होगा। अब आप लोग इसमें खड़े कैसे होगे, जितना हो सके आप लोग राइट पैर से किक लेफ्ट से जंप। देखो अब हम लोग इसे सीखेंगे और आप लोग ऊंची जगह ट्राई करना, आप लोग सीखना चाहते हैं बेवस्टर जल्द तो आपको ऊंची जगह ट्राई करना। यहाँ पर देख लो मैं ऊंची जगह ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देख लो, ये है स्टैंडिंग बेवस्टर, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है हम लोग दूसरी प्रकार से सीखेंगे, फिर हम लोग इसे बराबर जगह पे ट्राई करेंगे। जब आप लोग सीखना तो ऊंची जगह से करोगे तो जल्द हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो मैंने टक नहीं किया, ये हो गया आपका पहला बेवस्टर। अब दूसरा बेवस्टर कैसे करना है यहाँ पर आप लोग देखो, देखो आपको लेफ्ट पैर इसमें आगे को रखना है और इसे आपको ऐसे करके करना, ये स्टेप, और यहीं से आपको राइट पैर से किक लेना होता है, वही स्टेप करना, मगर आपको इसमें कुछ ऐसे करके करना होता है। देखो लेफ्ट पैर आगे को रखना और ऐसे राइट पैर भी आगे को आ जाएगा, यहीं से आपको किक और लेफ्ट से जंप। और सेम स्टेप है जो हम लोग फ्रंट रोलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें भी वही यूज होगा क्योंकि हम लोग बेवस्टर ही सीख रहे हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बस ऐसे करेंगे ऐसे। अब यहीं से आपको राइट पैर से किक लेफ्ट से जंप वही स्टेप करना। चलो हम लोग इसे भी ट्राई करते हैं। तो गाइस देख लो, ये है बेवेस्टर, आप लोगों से स्टैंडिंग इस प्रकार होगी। अभी आप लोग देख सकते हो मैं टक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं करूँगा इसे ऊंची जगह से, तो आप लोग देखना कितनी अच्छी तरह से स्टैंडिंग हो जाएगी। फिर हम लोग बराबर जगह से तीनों बेवेस्टर करेंगे, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो ईजी लगे आप लोग वो सीख सकते हो। मेरा कहने का उद्देश्य यह है, मेरे चैनल में कोई भी भाई जाए बिना सीखे लौट के ना जाए। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग इसे ऊंची जगह ट्राई करते हैं। तो गाइस आप लोग देख लो, ये है हमारा दूसरा बेवेस्टर, आप लोग दोनों में से कोई भी सीख सकते हो जो आपको इजी लगे। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड बेवेस्टर की ओर, वो कैसे है तीसरा। तो उसमें आपको करना क्या होगा, देखो लेफ्ट पैर आपको ऐसे करके रखना, देखो आगे को और राइट पैर पीछे को, आपको लेफ्ट पैर से जंप राइट पैर से किक वही स्टेप करना, मगर थोड़ा पैरों की पोजिशन आपको चेंज करना। अब चलो इसे भी हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम लोग यही स्टेप को ऊंची जगह से ट्राई करते, देखना कितनी अच्छी तरह से स्टैंडिंग हो जाएगी। जब आप लोग शुरू करोगे इसी प्रकार गिरोगे,
इसमें भी आपको वही करना होता है, लेफ्ट पैर से जंप, राइट पैर से किक। तो चलो हम लोग इसे भी ट्राई करते हैं, फिर तीनों फ्लिप को मैं आपको बराबर जगह करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार आप लोग स्टैंडिंग बेबस्टर सीख सकते हैं तीन तरीके से। धीरे धीरे आप लोग हाइट कम कर देना, मैंने आपको करके दिखा दिया। अब चलो यहाँ पर मैं तीनों बेबस्टर आपको मार के दिखा देता हूँ, जो आपको इजी लगे, सरल लगे आप लोग वो ट्राई करना। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सी स्टैंड पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए, उस स्टैंड पर मैं जल्द से वीडियो बना दूंगा। चलो यहाँ पर मैं तीनों बेबस्टर मार के दिखा देता हूँ बिना टक के हैं, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा लगती है। तो गाइस यहाँ पर देख लो, अब हम लोग दूसरा स्टर शुरू करने जा रहे हैं, वॉल फ्लिप। वॉल फ्लिप करना कैसे होगा, सबसे पहले आप लोग ऊंची जगह कहीं पर देख लेना। यहाँ पर देख लो, खेत है और ये मेड़ है, गांव पर आप लोग जानते हो इसे मेड़ वेड़ बोलते हैं, तो ये ऊंची जगह है। तो आप लोग इस प्रकार देख लेना। देख लेने के बाद अब आप लोग वॉल फ्लिप कैसे करोगे, यहाँ पर देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको रनिंग कैसे लेना। देखो पहले तो आप लोग दूर से रनिंग मत लेना, पास से लेना, ठीक है। रनिंग लोगे कैसे, आपको ऐसे करके जाना, ये देखो, ये जिस पैर से आप लोग जंप लोगे वो पैर आपका दीवार पे रखना चाहिए। यहाँ पर देखो लेफ्ट पैर से मैं जंप लेता हूँ, लेफ्ट पैर मेरा दीवार पे है, राइट पैर से किक लेता हूँ, ये किक वाला पैर पीछे है। तो आपको इस प्रकार इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, पहला स्टेप है, आप लोग ध्यान रखना है। यही स्टेप लोग गलत कर देते हैं, वॉल फ्लिप नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे करके करना, ऐसे, ये देखो, ये समझ सकते हो, जंप वाला पैर दीवार पर रखना है, ध्यान रखना मेरी बातों को, ऐसे करके आपको करना है, ऐसे, और ये स्टेप। जब आप लोगों को ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपका दूसरा स्टेप है, आपको इसमें जंप लेना है, लेफ्ट पैर से जंप लेना है, रनिंग के साथ जंप लेना। कैसे लेना, यहाँ पर देखो, सिंपल से आपको रनिंग लेना है ऐसे करके, और ये ऐसे ऐसे करके आपको जंप लेना है ऐसे करके। तो गाइस आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जब आप लोगों के ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपको करना क्या होगा, जंप के साथ आपको राइट पैर भी उठाना, किक लेना है। क्योंकि वॉल फ्लिप हम कैसे करेंगे, जंप लेंगे, किक लेंगे, तो वही करना है स्टेप आपको, रनिंग के साथ जाना है, लेफ्ट पैर से जंप, राइट पैर से किक, कुछ ऐसे। तो गाइस आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, जब आप लोगों के ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपको वॉल फ्लिप की प्रैक्टिस करना। करना कैसे है, आपको सीधा नहीं मारना है, देखो आपको सीधा नहीं मारना है, आपको टेढ़ुक मारना है, थोड़ा थोड़ा आपको अपनी बॉडी को सीधा करना है, टेढ़ुक घुमाते हुए मारना है। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे करूँगा, आप लोगों के सामने मैं लाइव बता रहा हूँ, क्योंकि वॉल फ्लिप की मैं प्रैक्टिस कभी भी नहीं करता हूँ, जब मुझे वीडियो बनाना होता है तभी मैं करता हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर सीखने नहीं गया हूँ, मैं घर पर ही सीखता हूँ। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग टेढ़ुक करते करते सीधे लाओगे वॉल फ्लिप। और मेरा जो सेकेंड चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब करना भूलना मत, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अच्छी अच्छी वीडियो उसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस आप लोग देख लो, इस प्रकार आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना, टेढ़ुक करना है, सीधा नहीं करना है, डर लगेगा। जब आप लोग टेढ़ुक करते रहोगे एक बार ऐसा आएगा आपके साथ, आपको डर नहीं लगेगा, आप लोग सोचोगे इस बार मैं सीधा मार दूंगा।
तो चलो सीधा मारने की भी कोशिश करते हैं, खड़े नहीं हो पाओगे, स्टार्टिंग में आप लोग गिरोगे। यहाँ पर मैं आपको मार के भी दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे मारा, देखो टेढ़ू करते करते सीधा मार दिया। डर मुझे भी लग रहा है क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके में सिखाया। आप लोग इस प्रकार वॉल फ्लिप की प्रैक्टिस करो, आ जाएगी अच्छी तरह से। जब एक बार मार लोगे डर खत्म हो जाता है यार, आप लोग प्रैक्टिस बस करते रहना। चलो यहाँ पर और मारते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग कितनी आसानी के साथ वॉल फ्लिप सीख लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग में इस प्रकार होगा। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और बेल आइकन भी ऑल पे टिक कर देना। और आपको किस स्टैंड पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए। और जो मेरा सेकेंड चैनल है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप लोग सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उस चैनल भी सपोर्ट करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।